फ्रेंड, अब मैं रावण के इन दोनों पार्ट को बाहर निकालता हूँ और रावण के बॉडी पार्ट पर सिर वाले पार्ट को रखकर असेंबल करता हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली झाड़ू और न्यूज़पेपर से हमारा 10 फीट का रावण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड, जैसा प्लान किया था ये ठीक वैसा ही बना है। पहले मुझे लगा था शायद इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाए, पर इसके दोनों पार्ट बिल्कुल सही फिट हुए हैं। ये आराम से कमरे के अंदर बन भी गया और बाहर हमने इन्हें आराम से दोनों पार्ट को जोड़ भी लिया। फ्रेंड, जिस रूम में मैंने इसे बनाया था उस रूम की हाइट कम थी। यहाँ इस जगह इस आंगन की ऊंचाई 11 फीट है और हमारे रावण के मुकुट का ऊपर वाला पोर्शन छत से बिल्कुल टच होने ही वाला है, इसीलिए मैंने इसका मुकुट थोड़ा छोटा बनाया था कि कहीं वो छत पर टच ना हो जाए। तो फ्रेंड, हमारा ये रावण 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम हमारे रावण को बना रहे थे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे रावण को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसको सूखते हुए 5-6 घंटे हो चुके हैं। अब हम ऊपर वाले इस पोर्शन को इसमें से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इस वाले पोर्शन को वापस निकाल लिया है। तो फ्रेंड, रावण के ऊपर वाले इस पोर्शन को मैंने यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर रावण के सिर को जोड़ लेंगे और इसे आगे का कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड, रावण के सिर का ये फ्रंट वाला हिस्सा जो सही था इसे हमने सामने की तरफ रखा है और इसे हम इस तरह से रावण के इस वाले हिस्से पर रखेंगे और इसकी सेंटर वाली स्टिक है इसे रावण के सेंटर वाली स्टिक में मैच करा के स्टेपल करेंगे और इसके पीछे वाली स्टिक को पीछे वाली स्टिक से मैच करा के और इन वाली स्टिक्स को भी बॉडी की अदर स्टिक से स्टेपल करके जोड़कर इसे आपस में दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने रावण के ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से यहाँ पर टिका लिया है और मैंने इसके अंदर एक तरह से मिठाई के डब्बे और दूसरे डब्बे के ऊपर रखकर इसको टिका लिया है। अब हम इन दोनों को और अच्छी तरह ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने रावण के सिर और नीचे वाले इस पोर्शन में इस तरह से मोटी मोटी और अलग से पेपर स्टिक लगा दी हैं। ये मैंने अलग से इसमें ऐड कर दी हैं ताकि अच्छी तरह से जुड़ जाए। इन सब में मैंने डबल स्टिक को रखा है और इन्हें अच्छी तरह से दोनों पोर्शन को आपस में जोड़ दिया है। अब हम इस पे न्यूज़पेपर पेस्ट करके इसे कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने रावण के इस ऊपर वाले पोर्शन को भी ज्वाइन कर लिया है और इसको भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड, अब हम हमारे रावण के इस वाले हाथ के लिए यहाँ पर हाथ और उसकी तलवार बना लेंगे। फ्रेंड, रावण का हाथ बनाने के लिए हम एक बड़ी पेपर स्टिक का इस तरह से रिंग बना लेंगे और एक रिंग उससे थोड़ा सा छोटा बना लेंगे। अब हम एक पेपर स्टिक को इस तरह से इसमें यू की शेप में जोड़ लेंगे। अब हम इसमें एक और पेपर स्टिक को इस तरह से इसके अपोजिट साइड में यू करके जोड़ेंगे। फ्रेंड, हम इसमें इस तरह से दोनों रिंग्स को जोड़कर इस तरह का हाथ बना लेंगे। अब फ्रेंड, हम एक छोटा रिंग इधर बनाएंगे और उसे भी इस यहाँ पर स्टेपल करके जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इस तरह से हमारे रावण का ही तलवार वाला हाथ बना लिया है। फ्रेंड, अब मैंने कार्डबोर्ड पर इस तरह से तलवार बना ली है, इसे मैं कट कर लूंगा। फ्रेंड, ये हमने हमारे रावण की तलवार भी कट कर ली है। फ्रेंड, अब मैंने हमारे रावण के हाथ में ये इस तरह से पेपर स्टिक को यहाँ पर स्टेपल करके जोड़ लिया है। ये वाली पेपर स्टिक में झाड़ू की स्टिक लगी हुई है, ये मैंने इसको इस तरह से इसमें जोड़ लिया है। फ्रेंड, हमने रावण के हाथ में इस तरह से तलवार को भी स्टेपल कर लिया है। मैंने इस वाली स्टिक को तलवार में अच्छी तरह से स्टेपल करके जोड़ दिया है। अब हमारी तलवार रावण के हाथ से जुड़ गई है। अब हम इसे भी न्यूज़पेपर और पेपर स्टिक लगा के कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने रावण के हाथ को इस तरह से न्यूज़पेपर से कवर कर लिया है और हमारी तलवार भी रेडी हो गई है। अब हम हमारे रावण के लिए ढाल बना लेंगे। रावण की ढाल बनाने के लिए मैंने दो पेपर स्टिक को इस तरह जोड़कर इनका एक रिंग बना लिया है। अब हम इसमें इस तरह से और इस तरह से पेपर स्टिक को और जोड़ लेंगे। मैंने उसमें दो पेपर स्टिक इस तरह से और जोड़कर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। फ्रेंड, हमने हमारे रावण की ढाल को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। तो फ्रेंड, हमने हमारे रावण के लिए इस तरह से ये नाक बना ली है। फ्रेंड, इसे बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम हमारी इस नाक को भी रावण के चेहरे पर इस तरह से स्टेपल करके जोड़ देंगे। फ्रेंड, हम फेस के इन कागजों को थोड़ा कट कर लेंगे और यहाँ से इसमें अंदर स्टेपलर लगाकर स्टेपल करके इस नाक को जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड, हमारे रावण की नाक पूरी अच्छी तरह जुड़ गई है। अब हम इसे भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने नोज़ को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर दिया है।
फ्रेंड मैंने हमारे रावण के लिए ये इस तरह के दो कान बना लिए हैं। फ्रेंड इन्हें पूरे बनाने का वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल रावण वारा पर मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इन कानों को रावण के फेस पे लगाने से पहले हम इन पर ब्लैक पेपर पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक बार लगाने के बाद में फिर इस पर ब्लैक पेपर पेस्ट करने में हमें काफ़ी दिक्कत होगी। तो फ्रेंड हमने दोनों कानों को ब्लैक कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम इन दोनों कानों को भी रावण के फेस पर स्टेपल करके जोड़ देंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों कानों को भी स्टेपल करके रावण के फेस पर जोड़ दिया है। फ्रेंड ये मैंने हमारे रावण के लिए मुकुट बना लिया है। फ्रेंड इसे पूरे बनाने का वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल रावण वाला पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर इसे देखकर आसानी से इसे बना सकते हैं। अब मैं इसे भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड हमने रावण के मुकुट को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड अब हम इस तरह से हमारे रावण की मूंछों को किसी कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसे कट कर लेंगे और हमारे रावण के लिए मूंछें बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के लिए दो मूंछें इस तरह से कट कर ली हैं। अब हम इन पर ब्लैक पेपर पेस्ट करके इन्हें कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमने हमारे रावण की दोनों साइड की मूंछों को इस तरह से ब्लैक पेपर पेस्ट करके रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण की दोनों मूंछों को इस तरह से जोड़ लिया है और इसके पीछे और फ्रेंड पीछे हमने इस तरह से पेपर स्टिक को लगा दिया है, जिसे हम रावण के फेस में स्टेपल करके जोड़ देंगे। और हमने फ्रेंड इसमें झाड़ू की स्टिक को भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है, ताकि ये मुड़े नहीं और सीधी बनी रहे। अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड ये रावण की दोनों मूंछें हमने इस तरह से जोड़ ली हैं। अब हम इन्हें रावण के फेस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने रावण के हाथों पर इस तरह से रावण की शील्ड को भी बना लिया है। इसे मैंने इस तरह से यहाँ पर दो स्टिक इधर जोड़ी हैं और दो स्टिक इधर जोड़ी हैं और नीचे इसे वी की शेप में इस तरह से जोड़कर रावण की शील्ड को ऊपर बना लिया है। अब हम इसे भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण की शील्ड वाले पोर्शन को भी न्यूज़पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड अब हम रावण के नीचे वाले ड्रेस वाले हिस्से को ये नीला वाला कलर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण के नीचे वाले ड्रेस वाले पोर्शन को ब्लू पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड्स अब रावण का जो सीने वाला पोर्शन है इसे हम सिल्वर कलर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड रावण के ऊपर वाले पोर्शन को मैंने सिल्वर कलर का पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम रावण के दोनों हाथों को भी ब्लू कलर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण के दोनों हाथों को भी ब्लू कलर पेस्ट करके कवर कर लिया है। अब हम रावण के इस वाले शील्ड को येलो पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। फ्रेंड हमने रावण के शील्ड को भी येलो पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड अब हम रावण के फेस को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। फ्रेंड मैंने रावण के फेस के लिए ये स्किन कलर का पेपर लिया है, ये येलो कलर है। इसमें उल्टा इस पे पेस्ट कर दूंगा और ये व्हाइट स्किन कलर की जैसा दिखाई देगा। फ्रेंड इतना फेस पर पेपर लगाने के बाद हम यहाँ पर हमारे रावण की मूंछों को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें इस वाले स्टिक को रावण के फेस की स्टिक से मैच करके स्टेपल करना है। हम उसे स्टेपल कर लेंगे, फिर ऊपर से कलर पेपर पेस्ट करके इसे भी रिपेयर करके कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण की मूंछों को इस तरह से फेस पर लगा लिया है। अब हम इस पूरे पोर्शन को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। रावण के फेस को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लिया है। फ्रेंड अब हम हमारे रावण के हाथ को, तलवार को, मुकुट को और ढाल को भी कलर पेपर पेस्ट करके कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने रावण की ढाल, रावण का मुकुट और रावण की तलवार को भी कलर पेपर से पेस्ट करके कवर कर लिया है। तो फ्रेंड अब हम इस वाले कलर से रावण की बेल्ट और रावण की ये वाली डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के फ्रंट को इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के गले में इस तरह से कलर पेपर पेस्ट करके इसे डेकोरेट कर लिया है। अब हम नीचे के इस पोर्शन पर भी डिजाइन वाले पेपर कट करके डेकोरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के शील्ड को भी इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब हम इसके बीच में चिपकाने के लिए एक डिजाइन कट कर लेंगे और इसे भी फाइनल कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण को पूरा डेकोरेट करके कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड अब रावण की ढाल और मुकुट को भी हमने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। अब हम रावण के फेस पर आईब्रो, आईज और मुंह बनाकर इसे फाइनल कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के लिए आईज और ये मुंह बना लिया है। अब इन्हें हम रावण के फेस पर पेस्ट करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने हमारे रावण के फेस पर आईज को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मुंह को लगा लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड हमने हमारे रावण के फेस पर मुंह भी चिपका लिया है। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड हमारे 10 फीट वाले रावण के नीचे की ड्रेस को मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है और रावण के हाथों में इस तरह से इन वाली डिजाइन को फिट कर दिया है। ये पुराने वाले रावण की डिजाइन है। अब हमारे रावण पूरा डेकोरेट हो गया है। हमने रावण के आँख, नाक, मुंह लगा लिए हैं, मूछें लगा ली हैं। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है।
फ्रेंड ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे हिलाकर और उठाकर घुमाकर दिखा देता हूँ। ये लाइट वेट है और मजबूत भी है। तो देखा फ्रेंड आपने, ये मजबूत भी है, फ्लेक्सिबल भी है और आराम से कहीं ले जा सकते हैं। फ्रेंड हमारे इस वाले पोर्शन को भी हम उठाकर और इधर उधर हिलाकर देख लेते हैं, ये भी कितना मजबूत और स्टेबल है। फ्रेंड अब मैं रावण के इन दोनों पार्ट को बाहर निकालता हूँ और रावण के बॉडी पार्ट पर सिर वाले पार्ट को रखकर असेंबल करता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली झाड़ू और न्यूज़पेपर से हमारा 10 फीट का रावण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड जैसा प्लान किया था ये ठीक वैसा ही बना है। पहले मुझे लगा था शायद इस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाए, पर इसके दोनों पार्ट बिल्कुल सही फिट हुए हैं। ये आराम से कमरे के अंदर बन भी गया और बाहर हमने इन्हें आराम से दोनों पार्ट को जोड़ भी लिया। फ्रेंड जिस रूम में मैंने इसे बनाया था उस रूम की हाइट कम थी। यहाँ इस जगह इस आंगन की ऊंचाई 11 फीट है और हमारे रावण के मुकुट का ऊपर वाला पोर्शन छत से बिल्कुल टच होने ही वाला है, इसीलिए मैंने इसका मुकुट थोड़ा छोटा बनाया था कि कहीं वो छत पर टच ना हो जाए। तो फ्रेंड हमारा ये रावण 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो फ्रेंड अब इन दोनों पोर्शन को फिर से अलग अलग करके रूम के अंदर रख लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने रावण के सिर को तो अंदर रख दिया है, अब मैं इसके बॉडी वाले पार्ट को भी बाहर से उठाकर अंदर लेकर आ जाता हूँ। ये दोनों पार्ट वापस अंदर आ गए हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज आप हमारे वीडियो को शेयर भी करें।